हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। अभी हम लोग ये वीडियो दूसरी बार शूट कर रहे हैं क्योंकि एक बार मैंने पूरा शूट कर लिया था बट आईपैड का हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था, राइट। सो दूसरी बार शूट कर रहे हैं। सो हम लोग इस वीडियो में ध्यान से देखने वाले कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी में हमें जो एक नया कोर्स देखने को मिला है, जिस कोर्स एरा पे लॉन्च हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी के तरफ से कोर्स एरा पे लॉन्च किया गया है, तो क्या इसमें हमें पर्क्स मिलने वाले हैं, क्या एडमिशन होने वाला है, कैसे एडमिशन होगा, क्या सारी चीज़ें मिल रही होंगी, क्या फ़ायदा है, क्या फीस है, कौन बच्चे लें कौन बच्चे नहीं लें, किनके लिए ये कोर्स है, क्या क्या कोर्स में पढ़ना होगा, कितना टाइम देना होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो रही होंगी आपके लिए। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो, कुछ चीज़ें बताऊंगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, हम लोग 4K टच करने वाले हैं तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास किया जाता है बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, राइट। तो ये बिट्स पिलानी के थ्रू आता है। यहाँ पे हमें एक अप्लाई नाउ का बैनर दिख रहा है, बट हम लोग पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। सो बैचलर्स डिग्री है ऑफर्ड बाय बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी। यहाँ पे 3.1 लाख की हमें फीस देखने को मिलेगी और कुछ कंट्रीज़ में 4,000 US डॉलर्स की एंड कुछ अलग कंट्रीज़ में 6,000 US डॉलर्स हमें टोटल कॉस्ट देखने को मिलेगी। 100% ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, जो मिल रहा होगा आपके लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मिल रहा होगा। 3 to 6 ईयर्स का आपका ये कोर्स जाता है जिसमें 30 कोर्सेज 2 प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे नॉट देखने को, एंड 25 आवर्स पर वीक आपको डिवोट करना होगा। 25 आवर्स पर वीक से मेरा मतलब है 3 to 4 आवर्स पर डे आपको डिवोट करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने पूरे सैटरडे संडे में ही 16-16 घंटे डिवाइड करके, हम जैसे लोग कर लेते हैं, ठीक है। एडमिशन्स के ऊपर देखते हैं, तो एडमिशन्स हमारे हु इज़ दिस डिग्री फॉर, तो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स विथ और विथआउट साइंस बैकग्राउंड। अच्छा, इस डिग्री की ये खास बात है कि जिन्होंने साइंस नहीं लिया है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, मतलब साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले बच्चे अपने आप को ह्यूमैनिटीज वाले बोलते हैं, ठीक है, तो साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं, राइट। एंड जिनको भी अपने करियर को आईटी इंडस्ट्री में शिफ्ट करना है वो इस कोर्स को कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स जो एक कोर्स कर रहे हैं बट उन्हें एक कोर्स और करने का मन है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक कोर्स और करना चाहिए ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा अपस्किल कर सकूं एक अच्छे रिनोन्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अप्लाई एंड इनरोल बहुत सिंपल है, कंप्लीट द डिग्री एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, सबमिट योर एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट पॉइंट पॉसिबल, जितने जल्दी कर लो उतना अच्छा है क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी भर दोगे तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपको पिकअप कर लिया जाए, अगर लास्ट में भरोगे तो फिर हो सकता है कि उन्होंने पिकअप कर रखे हों, सीट्स भर चुके हों एंड आपके एप्लीकेशन को, ठीक। वेट फॉर अ डिसीजन ऑफ ऑन योर एप्लीकेशन, इफ एक्सेप्टेड यू विल हियर फ्रॉम बिट्स पिलानी एडमिशन ऑफिस विथ एन ऑफिस ऑफर लेटर एंड instructions ऑन नेक्स्ट स्टेप्स, आपको एक ऑफर लेटर यहाँ पे बिट्स पिलानी को मिल जाएगा, अगर बिट्स पिलानी की तरफ से मिलेगा अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमारे जुलाई 2023 के जो कोहोर्ट हैं उनके लिए 3 फरवरी 2023 में ओपन हुए थे एंड क्लोज होने वाले हैं हमारे 2 जुलाई को, डेडलाइन है 2 जुलाई के बाद क्लोज हो जाएंगे। क्लासेस हमारे 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जनवरी 2024 के कोहोर्ट की बात करें तो एप्लीकेशन 2023 अगस्त में ओपन हुए हैं और डेडलाइन यहाँ पे दिसंबर 2023 की है और क्लासेस हमारे इसमें 2024 में जनवरी में स्टार्ट हो रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमारे पास 10+2 होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास इंग्लिश होना चाहिए क्लास 10th में एंड क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट, एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है, और उसमें हमने पास भी किया रहना चाहिए ऑफकोर्स, और हमारे पास मैथ्स होनी चाहिए या फिर मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर या क्लास 10th के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने कहा कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे भी कर सकते हैं, तो मैथ्स कहाँ से आ गया, तो कॉमर्स विथ मैथ्स एंड आर्ट्स विथ मैथ्स, ह्यूमैनिटीज विथ मैथ्स मैथ्स, राइट। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप देख सकते हो। क्लास प्रोफाइल देख रहे हैं तो एवरेज एज यहाँ पे 24 ईयर्स, ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है। अकेडमिक्स के ऊपर चलते हैं हम लोग। सो अकेडमिक्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है वाई स्टडी एट बिट्स पिलानी, तो यहाँ पे आप बिट्स पिलानी के क्यों पढ़ रहे हो, बिट्स पिलानी आपका एक टॉप यूनिवर्सिटी है तो उसके बारे में ज़्यादा अच्छा बताने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छी जगह है, ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से पढ़ना अच्छा है। करिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे फुल स्टैक कंप्यूटिंग सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस एंड डेटा एनालिटिक्स एंड एल्गोरिथम्स एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ये कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको इसको ध्यान से देखना है कि जो 30 कोर्सेज मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उसमें आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, मतलब क्या क्या पढ़ने हैं उन 30 कोर्सेज में, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप जाके ज़रूर वहाँ से देख सकते हो। एंड अमेजोन का लिंक तो है नहीं कि मेरे को कुछ कमीशन मिल जाए, तो देख लेना यार वहीं से जाके, ठीक है। एंड यहाँ से अगर हम 30 कोर्सेज देख लें तो ये कुछ 30 कोर्सेज हमें मिलते हैं। फाउंडेशन कोर्स में हमें इस तरीके से मैथमेटिक्स फाउंडेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर एलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन, इतना ख़राब होता है ना ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग फाउंडेशन, ह्यूमैनिटीज़ फाउंडेशन, अदर कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज़ फाउंडेशन, अदर कोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, साइंस, मतलब इंग्लिश, EVS, सब पढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, राइट। इलेक्टिव कोर्सेज में भी आप देख सकते हो क्या क्या कोर्सेज हैं, ठीक है। ये कोर कोर्सेज आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, कि आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने को मिलेंगे। आप अपने जो करंट कोर्स कर रहे हो उसके साथ मैच भी कर सकते हो कि क्या क्या सेम रहने वाला है। ट्यूशन एंड फाइनेंसिंग के ऊपर देखते हैं, तो ट्यूशन एंड फाइनेंसिंग में हमें, मैंने बताया था कि इंडिया में आपको 3.13 लाख की फीस देखने को मिलेगी एंड फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज आपको $4,000 की फीस देखने को मिलेगी। अगर $4,000 को हम लोग रुपीज़ में करें तो कितना होता है, फॉर आउटसाइड अगर उन सिलेक्टेड कंट्रीज़ को हटा के देखें तो $6,000 की आपको फीस देखने को मिल जाएगी, राइट। अगर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास इंडिया में आपको पर सेमेस्टर 52,000 फीस देना पड़ेगा, पर सेमेस्टर आपको 52,000 अप्रॉक्स फीस देना पड़ेगा एंड 3.13 लाख आप टोटल फीस दे रहे होंगे। अगर यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमें कोर्सेरा में एक फाइनेंशियल एड मिलता है, तो क्या इस कोर्स के लिए फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, तो नहीं, स्कॉलरशिप्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस प्रोग्राम एट द मोमेंट। तो फाइनेंशियल एड इस कोर्स के लिए अवेलेबल आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, राइट। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू 4,000+ कोर्सेज, यहाँ पे हमें इस कोर्स के साथ 4,000 और कोर्सेज मिलेंगे जो हमारे करियर को बहुत ज़्यादा अपस्किल कर रहे होंगे, एम्पावर कर रहे होंगे, ठीक है। आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, रिनोन्ड यूनिवर्सिटी एंड रिनोन्ड ग्लोबल प्रोफेसर के जो कोर्सेज हैं कोर्सेरा के ऊपर, वो सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल रहा होगा। 4,000+ कोर्स इज़ अ ह्यूज नंबर, यू कैन लर्न एनी स्किल एंड अपस्किल आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स, ठीक है। सो ये कुछ हमें पर्क्स मिल रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट एक्सपीरियंस, करियर्स, अबाउट द यूनिवर्सिटी, तो अबाउट द यूनिवर्सिटी रहने देते हैं। स्टूडेंट एक्सपीरियंस के जो वीडियोस हैं यार आप देख लेना, मैं भी कभी देख लूँगा ऐसे खाना खाते हुए, ठीक है, बट अभी क्या ही देखें हम लोग, ठीक है। करियर्स अच्छे ही बोल रहे होंगे इसीलिए डाला गया है, अगर राइट करियर, तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें एल्यूमिनाई बेनिफिट मिलता है जो बहुत ही शानदार है, बिट्स पिलानी का एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत शानदार है, वो हमें मिलता है। सेकेंड, अगर हम करियर आउटकम्स की बात करें तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, AI इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, एप्लीकेशन डेवलपर, वेब प्रोग्रामर, फुल स्टैक डेवलपर, ये सारे चीज़ें हमें आगे अपने लाइफ में देखने को मिल रहे होंगे, इन सेक्टर और डोमेन्स में हम काम कर रहे होंगे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी करियर सर्विसेज, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। आई होप मैक्सिमम चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी। अब इसमें ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, पहले तो अप्लाई का प्रोसीजर एंड दूसरा कि किनको ये कोर्स करना चाहिए, किनको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, और आपको ये कोर्स में क्या फ़ायदे मिल रहे होंगे और क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ चीज़ें लग रह जाती हैं। तो अगर आप लोग कहते हो कि हमें और डिटेल में जानना है चीज़ों को, तो मैं इस पे और वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊँगा बेस्ड अपॉन योर कमेंट्स, योर रिस्पॉन्स, कि आप क्या कमेंट कर रहे हो, मैं उसके तरफ से आपको अपने आप एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो को, दूसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड लाइक करते जाना यार और एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्त को भेजो जो कुछ नहीं कर रहा है, उसको भी भेज देना जो बैठा हुआ है, तो वो भी कुछ कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए सी यार, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।